नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। आपको बता दें कि लगातार हॉस्टलों की फीस में वृद्धि हो रही है, जिसके वजह से जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में। पिछले दिनों में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बीएन कॉलेज की फीस वृद्धि हुई थी, वहीं अब साइंस कॉलेज के हॉस्टल की फीस वृद्धि हुई है, जिसके वजह से जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राहुल राज हुआ। किस बैच से? कौन से? थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर कोर्स क्या? मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स। क्या फीस था पहले और अब क्या? पहले फीस था 3370 रुपया पड़ता था, और एक ही रात में हमारे प्रिंसिपल, जो एक तो अस्थायी रूप से ये प्रिंसिपल है, जब से आए तब से ये मनमानी तानाशाही कर रहे हैं। एक ही रात में ये मीटिंग किए, मीटिंग करके हम लोग का फीस 7950 रुपये कर दिया गया। बात ये था कि जब अभी हम लोग सब एकजुट हुए, पाँचों हॉस्टल आपस में बात हुआ कि ये तानाशाही नहीं चलेगा, इससे लेके पूरा क्लास व्लास बंद किया गया। अभी साइंस कॉलेज हो? हाँ, साइंस कॉलेज न्यूटन हॉस्टल में रहते हैं। फिर जब हम यहाँ आए बीसी के पास, तो बीसी सर बोले कि कोई भी फी भरने से पहले एक बार बात किया जाता है कि बीसी से। जब बीसी हमसे प्रिंसिपल का कोई बात बात नहीं हुआ, तो बोले कि वो अपने मन से मनमानी किया गया है, जिसके विरोध में हम एक्शन लेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, आप किस कोर्स से हैं? केमिस्ट्री से। किस साल? 21-24। क्या आप किस हॉस्टल में रहते थे? पहले कितना फीस था और अब कितना फीस हो गया? मैं न्यूट्रल हॉस्टल में रहता हूँ। पहले था फीस 3370 रुपया, लेकिन वो बढ़ के सीधे 8000 हो गया है, जो कि सीधे दुगुना हो गया है। और हम लोग को इसके बारे में पहले नोटिफाई नहीं किया गया, डायरेक्ट हम लोग बिना परमिशन के, हम लोग को बिना बताए उताए सीधे वो लोग फीस बढ़ा दिए हैं। जिस मुद्दा से वो फीस बढ़ाने का काम किए हैं, बोल रहे हैं कि उनके पास फंड नहीं है, तो फंड नहीं तो आप सरकार के पास जाइएगा ना मांगने। आज आपके पास फंड नहीं है इसके लिए हॉस्टल के, कल बोलेगा कि प्रोफेसर को देने के लिए फंड नहीं है, फिर हम लोग से आप डिमांड कीजिएगा। तो जहाँ पे डिमांड कर रहे हैं छात्रों से, उसके जगह पे जाए सरकार को बोले कि हमारे पास फंड नहीं है, ये तो बढ़ाने का काम गलत है ना। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमन कुमार है। आप भी हॉस्टल से? जी जी, न्यूटन छात्रावास में। किस कोर्स से? मैथ्स। रिसर्च स्कॉलर है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले जो फीस था वो 3000 के लगभग था, और अब जो बढ़कर है 8000 के आसपास हो गया है, कितनी परेशानी हो रही है छात्रों को? पहले फीस थी 3263 था, और अचानक इसको मतलब बिना शिक्षक छात्र मतलब संवाद करके, ना ही विश्वविद्यालय से परमिशन लिया गया वीसी से, बिना किसी अनुमति के एक तानाशाह प्रिंसिपल ने जो है ना एक फरमान जारी कर दिया कि आप लोग 8000 रुपया जमा करिए। ये तो गलत है। ये एक तरह से जो है ना पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्र हैं, जो कि किसान मजदूर के बेटे हैं, जिनका कि बाप दूसरे राज्यों में जाके कमाता है, उन पर हमला है। वो गाँव से आके पटना जैसे शहर में सर्वाइव कैसे करेगा अगर इतना फीस रहेगा, इसीलिए। और क्या कुछ सुविधा जो है वो हॉस्टल्स में मिल रही है? कितनी अच्छी सुविधा है हॉस्टल्स की? अब तक जो भी सुविधा है तो मतलब ठीक ठाक है, उस कोई 5 स्टार या 3 स्टार होटल जैसा नहीं है। इतना सुविधा है कि लड़का वहाँ पे आराम से रह के पढ़ाई कर सकता है। हाँ, कुछ हॉस्टल्स में जो है ना बाथरूम की समस्या है, फर्नीचर्स की समस्या है। देखिए, तो पिछले दिनों में बीएन कॉलेज के हॉस्टल्स के भी जो फीस है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि आई थी, अब लगातार फिर साइंस कॉलेज के हॉस्टल में वृद्धि आ रही है फीस में, तो आखिर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं? ये बस ऐसे है कि पहले से जो हॉस्टल फंड में पैसा जमा था उसको झूठ फूस का फलना चिलना के नाम पर निकाल के खर्च कर दिया गया है, तो ये छात्रों को मतलब एक तरह से चूसने का काम है, लूटने का काम है। ये मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट बनाने का एक प्रक्रिया है कि आप पहले 8000 बढ़ा दीजिए, कल अगले बार होगा 10000 कर देगा, तो यहाँ पे तो धीरे धीरे मतलब रुक जाएगा ना, प्राइवेट हो जाएगा, ये सब प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है विश्वविद्यालय। यही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो फंडिंग तो गवर्नमेंट से भी ना होती है, टैक्स पेयर का पैसा आता है, कहाँ जा रहा है? आप कैसे बोल रहे हैं कि फंड का पैसा कहाँ गया? इतने वर्षों से जो फंड में पैसा जमा हो रहा है, आखिर उस फंड का हुआ क्या? क्या होता है हॉस्टल में? 3200 में आप क्या सुविधा दे रहे थे जो आप 8000 में दे दीजिएगा हमको? तो ये बात है, हम लोग इसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात हुई है डीन से, प्रोक्टर रजनीश सराफ साहब से बात हुई। तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि तस्कीन दिलाया है कि शाम तक जो है ना हम प्रेस रिलीज आउट कर देंगे, फीस वापस लिया जाएगा, और प्रिंसिपल पे डिसिप्लिनरी जो है एंटी डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिना विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के ऐसा निर्णय लिया। सर, साइंस कॉलेज के हॉस्टल्स के फीस में वृद्धि आई है अचानक, जिसके वजह से जो छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो अचानक से वृद्धि क्यों आई है, वजह क्या है? ये अचानक से वृद्धि आई, ये तो कॉलेज का मामला है, ये सभी कॉलेज के हॉस्टल हैं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ढंग से काम किया है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा होगा कि जो सुविधाएँ हॉस्टल्स में मिलनी चाहिए
वो सुविधा अभी उपलब्ध वो नहीं करा पा रहे हैं, और हॉस्टल फी कम है, बहुत दिन से ऐसे है, इसलिए उसने ऐसा सोचा होगा। लेकिन वो एक गलती उन लोगों ने की कि उनको यूनिवर्सिटी से भी एक एडवाइस ले लेना चाहिए क्या करना है, लेकिन उसके लिए पूरे रिस्पांस मैंने ऑथराइज वही हैं, हॉस्टल फी उनका अपना हॉस्टल है, उसको किस तरह से बढ़ाना है क्या करना है, लेकिन उसको सही ढंग से करना चाहिए। बच्चों का डिमांड आया कि फ़ी बढ़ गया है, उन्होंने एजिटेशन के रूप में सामने आया, और यह हम लोगों से भी आके मिला, हम लोग भी बात किए उन लोगों से, हम लोगों ने कहा कि तत्काल तो हम लोग इसको विड्रॉ कर देते हैं, और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग पूछेंगे कि क्या परेशानी है, और जो परेशानी है फाइनेंशियल परेशानी है तो उस फाइनेंशियल परेशानी को कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन लिख के देगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से डिमांड किया जाएगा कि इस तरह से हॉस्टल पे मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसा गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, फिर उस तरह से किया जाएगा। मतलब सर इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जा चुका है। हाँ, और तत्काल हम लोगों ने विड्रॉ कर दिया। तो जैसा कि आपने सुना कि डीन का क्या कुछ कहना था, उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जो संज्ञान है वो लिया जा चुका है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।